भाई हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है हम लोग को इस बात की कि आज एक बहुत बड़ा दिन है और अच्छे से हम लोग का प्रोमो, हमारा शो लॉन्च हुआ है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आर प्रोड्यूसर्स, द होल टीम, क्रू मेंबर्स, एवरीवन इंक्लूडिंग आर स्पॉट दादाज एंड जो भी पीछे इसमें इन्वॉल्व है, इस पूरी प्रोसेस में सब ने बहुत मेहनत की है और हम उम्मीद यही करते हैं कि हम ईमानदारी के साथ, अच्छी नीयत के साथ काम को करते जाएँ और इस शो को एक बहुत ही बड़ा शो बनाएं, हिट करें इसको। बस मेरे लिए तो ऑलरेडी ये बहुत लकी है, बर्थडे बन चुका है बिकॉज टुडे इज़ माय बर्थडे और मैं बहुत खुश हूँ और फर्स्ट एपिसोड देखा तो बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है कि आई एम डूइंग दिस शो। एंड यस, एक शो को बनाने के लिए हर किसी की एफर्ट्स की ज़रूरत लगती है, चाहे एक्टर्स हो, कोई भी हो मतलब, बट ये होता है कि सबको अगर हम एक साथ मिलके हम काम करते हैं तो फिर वो अच्छा प्रोडक्ट सामने आता है। तो विल मेक श्योर कि हम हमेशा इसी पॉजिटिविटी के साथ और इसी माइंडसेट के साथ काम करें, ईमानदारी के साथ, हाँ ईमानदारी के साथ काम करें और वो फिर सामने दिख भी जाएगा। बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर्स को जो बहुत स्वीट हैं, बोलते हैं कि जब जो एक फैमिली का जो हेड ऑफ द मेंबर होता है ना, वो हमारे लिए वो है, मतलब एक माँ बाप जो होते हैं वो हमारे लिए वो है, जब वो अच्छे तो ऑफकोर्स टीम का होना बहुत जायज सी बात है, बिल्कुल अच्छा ही है। तो हमारी टीम बहुत अच्छी है और सबसे पहले उन्होंने यही बोला था कि हम जब भी काम करेंगे पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे, जहाँ पर बरकत होती है वहाँ पर हम आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। हमारी टीम इतनी अच्छी है, हर कोई जो कैमरे के पीछे है, क्योंकि सबका नाम नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते लोग काम करते हैं, और जो कैमरे के सामने हैं सब एक अच्छे एक टीम की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। ब्लेस्ड हैं कि हमें इतना अच्छा शो, इतना अच्छा स्टोरी के साथ एक शो मिला है और आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें शो में देखेंगे, वो एक टिपिकल वो फैमिली ड्रामा नहीं देखेंगे कि जहाँ पे फैमिली ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ये कुछ अलग लेकर आया जो आज तक आपने किसी शो में नहीं देखा होगा। तो आई थिंक हम बहुत लकी हैं, हमें इतनी अच्छी टीम, हमारे इतने अच्छे प्रोड्यूसर, चैनल, सब अच्छा अच्छा मिला है, तो आई थिंक बहुत अच्छे से काम करेंगे। बिल्कुल, जरूर। समझ में नहीं आया आपको देखने में? कमाल कर दिया उसने, दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा क्या किया उसने। अरे बहुत अच्छी चीज है, जैसे उसका कैरेक्टर है वो रियल में बहुत अच्छी है। तीन गुना ज्यादा है वो, कम करवाते हैं उसको, बोलते हैं थोड़ा हल्का हल्का। चल बोल दे। मैं क्या बोलूं, देखो आज मेरा कैरेक्टर बिल्कुल जस्टिफाई हो नहीं रहा है क्योंकि मुझे बिल्कुल बोलने का मौका दिया नहीं जा रहा है, बट आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज, बिल्कुल सच है क्योंकि मुझे इतना मजा आ रहा है श्रुति प्ले करने में। एब्सोल्युट, जब मुझे सर ने बताया कि आपका कैरेक्टर कुछ ऐसा होगा, मैं अंदर तो ऐसे ऐसे हो रही थी, मैंने कहा यार ये प्ले करने को मिलेगा इन अ वे, एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया सर। और बाकी शो भी ऐसा इतना बढ़िया है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इस पे कहानी चल रही है, इस पे हर एक कैरेक्टर की एक कहानी है। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, यस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर आप लोग क्या कर रहे हो? सात सुर होते हैं, उसमें एक सुर हमारा इस शो, करेक्ट, हम कुछ अलग करने की कोशिश नहीं कर रहे, कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे, बहुत बढ़िया, इतना ही करना चाहेंगे। बस यही है, बहुत अच्छी बात उन लोगों ने ऑलरेडी कर दी है कि हर सीरियल क्या होता है कि एक हीरोइन के ऊपर एक जो आपकी कहानी चलती है, बट दिस इज़ द शो विच पैन इंडिया विल कनेक्ट, मतलब जो पूरा इंडिया है वो कनेक्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं संभव हम सबकी लाइफ में एक मिलके भी हम ना मिले वाला फैक्टर होता है। तो 110% कोई भी हो, चाहे कोई बताए ना बताए, बट कहीं ना कहीं ये फैक्टर, तो इसीलिए ये सबको कनेक्ट करने वाली स्टोरी है। दूसरा, शायद मैंने बहुत कम सीरियल, मतलब पहले देखी थी उसके बाद बहुत कम सीरियल ऐसी देखी है जिसमें हर किरदार, आई टेल यू, हम वर्ड यूज़ करते हैं कि ये तो फर्नीचर है, ठीक है, जो बाकी की कास्ट, आई टेल यू बॉस, ये सीरियल में एक भी कैरेक्टर आपका फर्नीचर की खड़े होने के लिए या फ्रेम भरने के लिए नहीं है, हर एक कैरेक्टर की एक जर्नी है। सो 110% दिस विल कनेक्ट टू द ऑडियंस और पसंद आएगा, ये उम्मीद है हमारी, बाकी आप लोग हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है। हमने देखा कि हमें लगा है जिसे सीरियल देखना, फिल्म लगी है बस, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बिल्कुल, इससे अप्रोच के बारे में पता चलता है कि किस नज़रिए से हम लोग, किस हमारी उस प्रोडक्ट की तरफ अप्रोच क्या है। हमने सीरियल बनाते समय सही में ये नहीं सोचा
जो यूजुअली प्रोड्यूसर को सोचना चाहिए कि क्या बजट है, कैसे बनाया चाहिए, दिल से बनाया है और उम्मीद करता हूँ कि लोग दिल से पसंद भी करेंगे। बिल्कुल, इस चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो सर ने अभी बोला, जब हम आउटडोर कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आई, कभी बीच में गाय आ जाती है, कभी दिन चला जाता है, टेक्निकल इश्यूज बहुत सारी। तो सर को एक ड्रोन शॉट चाहिए था जो उनको उस दिन नहीं मिला। सर ने कहा आई डोंट केयर, आई वांट द शॉट। हम दोबारा उस लोकेशन पे गए विच वाज नॉट इन द प्लान एंड बट वी स्टिल डिड इट। सो दैट इज द एफर्ट्स आई थिंक वी ऑल आर पुटिंग फॉर वन शॉट आई थिंक। राइट, बहुत छोटी छोटी बारी की, 2 सेकंड के लिए आपको दिखा होगा। हां, इतने अच्छे स्क्रीन पर दिखाने के लिए डायरेक्टर एंड राइटर का बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर जो हमारे आतिफ भाई हैं, यस, और दामिनी जी, दामिनी जी, डायरेक्शन टीम का, डायरेक्टर बहुत अच्छा है यार। आपने देखा होगा, देखिए किस तरह के शॉट्स लगाए हैं और किस तरह से नरेट किया उन्होंने स्टोरी को, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। जिस तरीके से आई थिंक अभी आपने कहा कि हम शो नहीं देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम फिल्म देख रहे हैं, तो ये आतिफ सर का कमाल। बिल्कुल, उन्होंने एक सीरियल के मतलब एक फर्स्ट एपिसोड को ऐसा दिखाया कि हमें लिटरली लग रहा था किसी आधे घंटे की फिल्म देख रही है। मतलब वो मजा आ रहा था कि कहीं से कनेक्शन नहीं टूटा हमारे आधे घंटे का, नहीं ओवरऑल बैठे हुए थे कि अब क्या, अब नया क्या आने वाला है। एंड आई टेल यू पारुल जी कि आपको फर्स्ट एपिसोड में स्क्रिप्ट दूंगा, कई चीजें ऐसी है जो शायद स्क्रिप्ट में नहीं थी। वो मूवमेंट आतिफ जी ने क्रिएट किया। राइट, सो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारी स्क्रिप्ट में नहीं थी बट उन्होंने खुद क्रिएट करी है। और देखिए कितना ब्यूटीफुली उन्होंने दिखाया है कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते, जब पढ़ते हैं तो नहीं पता चलता बट जब देखते हैं तो कुछ अलग ही चीज हो जाती है। इट्स ब्यूटीफुल। हम यहाँ पे कंपटीशन करने नहीं आए किसी से। राइट, सही बात है। और टीआरपी मेहनत करने आए हैं, ऊपर वाला देगा, हम वेट करेंगे। आप ही ने बोला बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बनाया, मतलब आपको पसंद आया तो सबको पसंद आएगा, सही बात है ना। आपको मैं खूब सारा घी एज एन आर्टिस्ट, हम लोग इन सब टीआरपी और टीआरपी मीटर्स और टीआरपी रेटिंग्स पे अगर ना ही ज्यादा इन्वॉल्व हो, अपने काम पे फोकस करें और अपनी जो हमारी इंडिविजुअल लेवल पे हमारे हाथ में जो है वो हमारी परफॉर्मेंस, हमारी स्क्रिप्ट, हमारे कंटेंट, उस पर अगर ध्यान रखेंगे और उसको अच्छे से अच्छा दिखाने की बनाने की कोशिश करेंगे, फिर टीआरपी जो होनी होगी होगी, जो अब हमारे हाथ में तो है नहीं वैसे भी। आउट ऑफ वॉट एवर स्मॉल एक्सपीरियंस आई हैव, मैं हमेशा ये चीज़ मानता हूँ कि टीआरपी, पैसा, ये सब चीज़ें बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो मैं बोल रहा हूँ दोपहर के 1 बजे पे भी चलेगी, शाम के 6 बजे पे भी चलेगी, और नहीं अच्छी होगी तो 9 बजे भी नहीं चलेगी। सही बात है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, अब चैनल के साथ साथ लोग इंटरनेट पे भी शोज देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो बेसिक आइडिया इज टू गेट द व्यूअरशिप, आपके लोग होने चाहिए देखने वाले। अब वो सिर्फ टीवी पे ही ना देखें, बाकी चीजों में भी देखें, उससे भी शो पॉपुलर होता है। राइट, दिखेंगे ना, अब शो अच्छा बनाया हमने, आएगी टीआरपी, उससे पार्टी देंगे हम आपको। और हमने शो अच्छा बनाया तो लोग देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, आप देखें, आपको अच्छा लगा, लोगों आपको को अच्छा लगा, कल भी लोग देखेंगे, बस तो पब्लिक को अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगे। नहीं काउंट होता है आप सर, देखिए टीआरपी का हिसाब ऐसा है, एक घर, हर घर में तो लगी नहीं होती टीआरपी रेट मीटर्स, तो वो भी रैंडम घरों में लगी होती है, उसी से रेटिंग्स आती है ना, तो इससे कैसे पता चलेगा कि कितने घरों में देखा जा रहा है, बहुत लिमिटेड पता चलता है ना। राइट, और दूसरा क्या होता है कि एक टीआरपी होती है, दूसरा परसेप्शन होता है, ठीक है। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, मतलब ये शो टीआरपी जनरेट करेगा ही बट परसेप्शन 110% जनरेट करेगा, कि मतलब एक शो का परसेप्शन होता है कि शो ऐसा होना चाहिए।